वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। सेक्स लाइफ से कैसे संतुलन बना के रखते हैं आप? सीरियस क्वेश्चन है। सॉरी सर, बोलिए। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा अब अजीबोगरीब सवालों से तंग आ गए हैं। भारत लौटते ही मानो नीरज चोपड़ा पर सवालों की बारिश हो गई है। हैरानी की बात यह है कि नीरज से पूछे जाने वाले सवाल स्पोर्ट्स या ट्रेनिंग से नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं। ऐसे सवाल पूछने वाले अब सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर भी आने लगे हैं। हाल ही में रेडियो द्वारा लिया गया नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू का एक क्लिप काफी वायरल हुआ था। इस इंटरव्यू के वीडियो में नीरज काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। अब एक नए इंटरव्यू में नीरज से फिर ऐसा सवाल किया गया है जिसका जवाब गोल्डन बॉय से नहीं बन पाया और वो शर्म से पानी पानी हो गए। दरअसल नए इंटरव्यू में नीरज से पूछा गया कि वह अपनी ट्रेनिंग और सेक्स लाइफ के बीच कैसे बैलेंस बनाते हैं। यह सवाल जाने माने डिजाइनर राजीव सेठी ने किया है। नीरज की खूबसूरती में कसीदे पढ़ते हुए सेठी ने पूछा कि देश के करोड़ों लोग ये जानना चाहते हैं, इसलिए मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी एथलेटिक ट्रेनिंग और सेक्स लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं। सेठी ने आगे कहा, मैं जानता हूँ ये बड़ा बेतुका सवाल है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद गंभीर सवाल भी छुपा हुआ है। यह सवाल सुनते ही नीरज बिल्कुल असहज हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं बना और वह सॉरी सर करते रह गए। नीरज ने आगे कहा, मैंने सॉरी बोल दिया है, अब आप इसे समझ ही सकते हैं। इसके बाद भी सेठी रुके नहीं और उन्होंने नीरज से फिर वही सवाल दोहराया। इस पर इंटरव्यू मॉडरेटर ने कहा कि नीरज इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। फिर सेठी ने कहा कि मैं जानता था नीरज इसका जवाब नहीं देंगे। इसके बाद नीरज बोले, प्लीज सर, आपके सवाल से मेरा मन भराया है। अब गोल्डन बॉय से ये सवाल पूछना सेठी को भारी पड़ गया है। अपने चहेते एथलीट से अजीबोगरीब सवाल पूछने के लिए सोशल मीडिया पर फैंस ने उन्हें जमकर लताड़ा है। इस पर एक यूजर ने लिखा है कि राजीव सेठी करण जौहर की तरह नीरज से उनकी सेक्स लाइफ पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन नीरज ने हार्दिक पांड्या की तरह उनके सवाल का जवाब न देकर उन्हें निराश कर दिया। एक यूजर ने इस पर फिरकी लेते हुए लिखा, एक खास किस्म के बूढ़ जो सेक्स की बात किसी एकेडमिक एक्सरसाइज की तरह करते हैं, बहुत कॉमन हो गया है। सच कहूं तो इसने मुझे मेरे सोशियोलॉजी प्रोफेसर की याद दिला दी, जिसे मीटू कैंपेन के चलते बाहर कर दिया गया था। कई यूजर्स ने तो सेठी के साथ साथ उस मीडिया हाउस को भी खरी खोटी सुनाई है जिसके प्लेटफॉर्म पर सेठी ने ऐसा सवाल किया था। यूजर्स का कहना है कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो इसे यौन शोषण कहा जाता है। खैर, अब इस मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।